हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है वीनस जेनस ऑफ लोअर लिम। अभी जो लोअर लिम है उसका वीनस जेनस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो है यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली आज अपन सबसे पहले पूरा वीनस जेनस पढ़ेंगे लोअर लिम का। क्वेश्चन में सुपरफिशियल ब्रांच है, कौन सी डीप ब्रांच है और परफोरेटिंग वेन क्या होती है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि जो लोअर लिम की वेन होती है उसको अपन को तीन कैटेगरी में अपन को डिवाइड करके रखा है। एक होती है सुपरफिशियल वेन। अब जो सुपरफिशियल वेन होती है ये आपकी सुपरफिशियल फेशिया में रहती हैं। देन अपन देखते हैं डीप वेन जो कि डीपली प्रेजेंट होती हैं। देन होता है परफोरेटिंग वेन। अब जो परफोरेटिंग वेन जो है ये आपका सुपरफिशियल और डीप वेन इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाती हैं। मतलब परफोरेटिंग वेन क्या है, परफोरेटिंग वेन बेसिकली सुपरफिशियल एंड डीप वेन इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन करवाती हैं वेन उसको अपन बोल देते हैं परफोरेटिंग वेन। अब सबसे पहले अपन देखते हैं डीप वेन। तो अगर आप इस डायग्राम में समझें तो सबसे पहले बिल्कुल अपन ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल शुरुआत में क्या रहता है, इन्फीरियर वीने कावा। देन इन्फीरियर वीने कावा आपकी क्या देता है, आपके देता है कॉमन इलियाक वेन। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका है कॉमन इलियाक वेन। देन ये कॉमन इलियाक वेन दो वेन में डिवाइड हो जाता है, एक एक्सटर्नल इलियाक वेन और एक इंटरनल इलियाक वेन। अब जो एक्सटर्नल इलियाक वेन है जिसे आपका इंग्वाइनल लिगामेंट को, यहाँ पे आपको एक लिगामेंट दिख रहा है जिसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगा, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है फिर फीमोरल वेन। अब ये फीमोरल वेन किस में प्रेजेंट रहता है, ये तो फीमोरल वेन जो है ये फीमोरल ट्रायंगल में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊं ये क्या है, ये आपका फ्रंट है थाई का। तो इस फ्रंट ऑफ थाई में जब ट्रायंगुलर डिप्रेशन देख रहे हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे, वो क्या है, वो है आपका फीमोरल, ये है आपका फीमोरल ट्रायंगल। अगर आपने मेरी फीमोरल ट्रायंगल एंड एडक्टर कैनाल की वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले आप वो देख लीजिए, देन फिर आपको इसके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रहता है फीमोरल ट्रायंगल, देन फीमोरल ट्रायंगल के जस्ट नीचे आपको प्रेजेंट रहता है एडक्टर कैनाल जो कि ये है आपकी एबडक्टर कैनाल। अब जो एडक्टर कैनाल है वो इंटरस मस्कुलर स्पेस है, ये अपन पढ़ चुके हैं। देन फीमोरल वेन जो है इस एडक्टर कैनाल में पास होती है और यहाँ पे क्या रहता है, ये रहता है एडक्टर हियाटस। अब जो एडक्टर मैग्नस मसल जो होती है उसके अंदर एक ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग का अपन बोल देते हैं एडक्टर हियाटस। तो उस ओपनिंग में जो है आपकी फीमोरल वेन जो है चली जाती है। देन फीमोरल वेन कहाँ जाती है, वो इस ये जो एक है फीमर बोन, देन फीमर बोन के पोस्टीरियर वाले पार्ट में आ जाती है, मतलब नी ज्वाइंट के बिहाइंड आ जाती है। और नी ज्वाइंट के बिहाइंड क्या था, पॉपलीटल फोसा। आपको पॉपलीटल फोसा का डायग्राम दिखाऊँ, तो है आपका पॉपलीटल फोसा। इन पॉपलीटल फोसा में जो वेन है ये कौन सी वेन है, ये है पॉपलीटल वेन। अब एक्चुअली में जो फीमोरल वेन है ये जब आपके एडक्टर कैनाल में, ये जब आपके एडक्टर मैग्नस में पियर्स कर जाती है तो यही आपकी पीछे चली जाती है नी ज्वाइंट के, और नी ज्वाइंट के पीछे यही आपकी बना लेती है पॉपलीटियल वेन। देन ये जो पॉपलीटियल वेन है ये आपकी किनी ज्वाइंट के नीचे, किनी ज्वाइंट के बिलो में, ये आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक एंटेरियर टीबियल। अब एक ब्रांच जो है इसकी एंटेरियर साइड में आ जाएगी, यहाँ पे है पूरी टीबियल बोन। अब जो ब्रांच एंटेरियर में आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटेरियर टीबियल वेन। देन दूसरी जो पीछे रहेगी वो होगी इसकी पोस्टीरियर टीबियल वेन। तो इस तरीके से जो है पूरा डीप वेन मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले क्या होता है, फीमोरल वेन, देन फीमोरल वेन आपकी क्या बन रही है, पॉपलीटल वेन। देन यही पॉपलीटल वेन जो है ये आपका एंटेरियर में आके बना रही है एंटेरियर टीबियल वेन, और पोस्टीरियर में आपकी बना रही है पोस्टीरियर टीबियल वेन। देन फिर अपन देखते हैं इसकी सुपरफिशियल वेन। तो दो सुपरफिशियल वेन रहती हैं, एक रहती है ये ग्रेट सेफेनस वेन, दूसरी है स्मॉल सेफेनस वेन। अभी जैसे अपन ने अपर लिम में देखा था वहाँ पे दो सुपरफिशियल वेन थी, एक सेफेलिक एंड बेसिलिक वेन, तो वैसे ही यहाँ पे दो वेन्स हैं, एक ग्रेट सेफेनस वेन और एक स्मॉल सेफेनस वेन। अभी जो ग्रेट सेफेनस वेन जो होता है ये एक्चुअली में फीमोरल वेन है, देन फीमोरल वेन से एक ट्रिब्यूटरीज ड्रेन होती है वह है ग्रेट सेफेनस वेन। मतलब कि फीमोरल वेन से जो वेन निकल रही है ये है आपकी ग्रेट सेफेनस वेन, देन ये फीमोरल वेन से स्टार्ट निकलती है, देन ये आपकी डाउनवर्ड आएगी। देन डाउनवर्ड में ये क्या है, ये है डॉर्सल वीनस आर्च। तो डॉर्सल वीनस आर्च है, देन डॉर्सल वीनस आर्च के बाद ये वाली जो वेन दिख रही है ये आपकी स्मॉल सेफेनस वेन, मतलब कि डॉर्सल वीनस आर्च के लेटरल वाले पार्ट से जो वेन जो फॉर्म हो रही है उसको अपन बोलते हैं स्मॉल सेफेनस वेन। देन स्मॉल सेफेनस वेन आएगी, देन नी ज्वाइंट के पीछे चली जाती है और आपकी किसके अंदर मर्ज हो जाती है, वो हो जाती है पॉपलीटल वेन में आपकी मर्ज। मतलब कि सबसे पहले मैं फिर से बताता हूँ, ग्रेट सेफेनस वेन आई, देन ये डॉर्सल वीनस आर्च में जाती है, देन डॉर्सल वीनस आर्च के लेटर पार्ट से ही स्मॉल सेफेनस आती है, वो आपकी वापस ड्रेन हो जाती है पॉपलीटल वेन में। देन फिर अपन देखते हैं
परफोरेटिंग वेन्स। परफोरेटिंग वेन समझाने के लिए मैंने आपसे अलग से ये डायग्राम बना के रखा है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि परफोरेटिंग वेन अपन ने बताया था क्या करती हैं, ये आपका सुपरफिशियल और डीप वेन के अंदर कनेक्शन करवाती हैं। तो सबसे पहले अगर अपन डार्क कलर से देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका डीप वेन है। सबसे पहले क्या होती है उसमें, फीमोरल वेन, देन फीमोरल वेन के बन जाती हैं पॉपलीटल वेन, देन ये पॉपलीटल वेन जो है इंटीरियर साइड में एक डिवीजन देगी वो होगी इंटीरियर टीबियल, पोस्टीरियर में देगी तो वो होगी पोस्टीरियर टीबियल। ये टीबियल से एक और ट्रिब्यूटरी मर्ज होती है, उसका अपन बोल देते हैं पेरोनियल वेन। अब पेरोनियल का मतलब होता है लेटरल साइड। अब जो पोस्टीरियर टीबियल वेन जो है उससे एक और ट्रिब्यूटरीज आपकी ड्रेन होती है उसमें, वो है लेटर पेरोनियल वेन। मतलब कि पेरोनियल मतलब होता है लेटरल साइड, मतलब लेटरल साइड में एक वेन रहती है उसको अपन बोलते हैं लेटरल पेरोनियल वेन। तो ये अपन ने देख लिया डीप वाला। देन डीप के बाद ये जो लाइट कलर से है, ये है आपका पूरा सुपरफिशियल वेन। उसमें सबसे पहले आपकी ग्रेट सफेनस वेन जो कि फीमोरल वेन में ड्रेन हो रही है, पूरी अपन ने ली ग्रेट सफेनस वेन। देन ये आपका डॉर्सल वेनस आर्च, देन डॉर्सल वेनस आर्च के लेटरल साइड से शुरू हुई आपकी स्मॉल सफेनस वेन। देन ये आपकी फिर से किस में आ गई, आपकी पॉपलीटल वेन में, ये मैं आपको पूरा पहले ही बता चुका था। देन उसके बीच में आप एक सुपरफिशियल वेन में और डीप वेन में जब कुछ कनेक्शन देख रहे हैं उसी को अपन बोल देते हैं परफोरेटिंग वेन। तो सबसे पहले अपन यहाँ थाई में, थाई वाले रीजन में एक परफोरेटिंग वेन देखते हैं, उसको अपन बोल देते हैं अडक्टर कैनाल परफोरेटर। बेसिकली ये जो वेन जो है परफोरेटिंग वेन क्या है, आपकी सुपरफिशियल को डीप में ज्वाइन कर रही है, और जो परफोरेटिंग वेन जो है जो एडक्टर कैनाल में होती है उसको अपन ने बोल दिया अडक्टर कैनाल परफोरेटिंग वेन। अब ये क्या कर रही है, ये आपका ग्रेट सफेनस वेन को आपकी फीमोरल वेन से आपको कनेक्शन करवा रही है। उसके अलावा नी ज्वाइंट है, ये नी ज्वाइंट के बिलो जो परफोरेटिंग वेन है उसको अपन बोल देते हैं बिनोनी परफोरेटर, जो कि ये है। अब जो बिनोनी परफोरेटर जो है, ये अपन ने जो ब्रांच देखी थी ये क्या है, ये आपकी ग्रेट सफेनस वेन की एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर आर्च वेन। मतलब जो ग्रेट सफेनस जो वेन होती है उससे एक ब्रांच निकलती है, उसी ब्रांच का नाम होता है पोस्टीरियर आर्च वेन। तो जो बिलो नी परफोरेटर होता है ये आपका पोस्टीरियर टीबियल, ये क्या है पोस्टीरियर टीबियल वेन। पोस्टीरियर टीबियल वेन को ये पोस्टीरियर आर्च वेन से जो कि पार्ट है आपका ग्रेट सफेनस वेन का उससे आपको जोड़ देता है। उसके अलावा यहाँ पे तीन मीडियल परफोरेटर वेन देख रही हैं। अब ये तीन मीडियल परफोरेटर वेन भी तो हैं, ये वो सिमिलरली पोस्टीरियर टीबियल वेन को किससे कनेक्ट करवा रहे हैं, आपकी पोस्टीरियर आर्च वेन, मतलब कि डीप को सुपरफिशियल से कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एक लास्ट लेटरल परफोरेटर वेन। अब जो लेटरल परफोरेटर वेन है ये पेरोनियल वेन, पेरोनियल वेन अपन ने देखी थी ना पोस्टीरियर टीबियल का एक ट्रिब्यूटरी पेरोनियल वेन, उसका कनेक्शन आपकी करवा रही हैं स्मॉल सफेनस वेन से। तो ये जो है ये आपकी होगी पेरोनियल वेन। अब बेसिकली होता ये है, अब जो डीप वेन है, अब डीप वेन के अंदर क्या रहते हैं, वॉल्व्स ज़्यादा रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ना जो आर्टरी रहती है उसके अंदर क्या रहते हैं, वॉल्व्स आपके प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन वेन जो है उसके अंदर वॉल्व्स रहते हैं। उसमें भी ये जो डीप वेन है, डीप वेन जो है ज़्यादा वॉल्व्स कैरी करती हैं एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल वेन से। इसलिए जो लार्ज अमाउंट जो ब्लड जो रहता है सुपरफिशियल वेन में वो वापस आपका ड्रेन हो जाता है डीप वेन में थ्रू परफोरेटर वेन्स। मतलब कि जो जितनी भी सुपरफिशियल वेन अपन जो पढ़ रहे हैं ग्रेट सफेनस और स्मॉल सफेनस, उसका मैक्सिमम ब्लड, उसका मैक्सिमम ब्लड जो है वो वापस अपन ड्रेन कर देंगे डीप वेन में, किसके थ्रू, परफोरेटर वेन्स के थ्रू। क्योंकि डीप वेन में जो है आपके एक तो वॉल्व ज़्यादा हैं, उसके अलावा डीप वेन जो है ये मोर एफिशिएंट होती हैं आपके ब्लड को कैरी करने में, क्योंकि ये जो डीप वेन है ये क्या है आपकी डीप पार्ट में प्रेजेंट रहती हैं। अगर मैं इसको समझाऊँ, ये आपकी डीप वेन है तो ये मसल है, अब जो डीप वेन है मसल के सराउंड में है, देन जैसी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है डीप वेन में प्रेशर बनाती हैं तो ब्लड जो है आपका एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में आ जाता है। तो इस तरीके से ये ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं ब्लड को ड्रेन करने के लिए। तो अब अपन इसको यहीं पे डिटेल में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है कि जो लोअर लिम की वेन जो है यहाँ पे क्लासीफाई होती हैं सुपरफिशियल, डीप एंड परफोरेटिंग वेन में। और जो डीप वेन है उसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्चुअली में जो वेन जो रहती है ये अपन नीचे से ऊपर देखते हैं। अब वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर से नीचे के साइड मैंने बताया, लेकिन एक्चुअली में वेन को अगर जब अपन पढ़ते हैं तो नीचे से मतलब कि इसकी ट्रिब्यूटरीज से होते हुए इसकी मेन ब्रांच से पढ़ते हैं। देन ये कहाँ पर चले जाता है, ये आपका इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए ये आपका चले जाता है राइट एट्रियम में।
लेकिन जो आर्टरी रहती है आर्टरी को अपन ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, मतलब कि आर्च ऑफ एओर्टा से मेन ब्रांच तक, क्योंकि वेन जो है आपका टिश्यू से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और उसको अपवर्ड साइड में आपके वापस हार्ट तक ले जाती हैं। पहले डीप वेन में नीचे से कौन बना रहा है, मीडियल लेटर प्लांटर वेन, देन डॉर्सल पैडिस वेन, फिर अपन ने देखा था ना इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल वेन, और एक होती है पेरोनियल वेन, देन पॉपलीटल वेन। यही पॉपलीटल वेन अपन ने देखा था, आगे जाके क्या बन रही थी, वही आपकी बन रही थी फीमोरल वेन। उसके अलावा जो डीप वेन है उसके अंदर वॉल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल वेन से, ये मैंने आपको बता दिया। और जो डीप वेन है ये मोर एफिशिएंट चैनल होते हैं आपके ब्लड को कैरी करने में, बिकॉज ड्राइविंग फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और की लाइन है, और ये जो है एमसीक्यूज वगैरह में पीजी के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, डीप कि सुपरफिशियल, तो उसका आंसर होता है डीप। देन फिर अपन देखते हैं सुपरफिशियल वेन। अब सुपरफिशियल वेन में क्या क्या आ रहा है, एक है ग्रेट एंड स्मॉल सफेनस वेन, ये कहाँ होती है, ये आपकी होती है सुपरफिशियल फेशिया में। देन मैंने इसके अंदर बताया कि इसके अंदर वॉल जो है एज कम्पेयर अपन देखें डीप वेन से तो लेस होते हैं, लेकिन जो वॉल जो है लोअर पार्ट में, मतलब कि सुपरफिशियल वेन के भी लोअर वाले पार्ट में वॉल जो है ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा लार्ज पोर्शन ऑफ ब्लड जो है सुपरफिशियल वेन का अपन वापस ड्रेन कर देते हैं डीप वेन में। देन फिर अपन देखते हैं लॉन्ग सफेनस वेन। अब जो लॉन्ग सफेनस वेन जो है इसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट नोट भी कभी कभी यूनिवर्सिटी में पूछ लेता है, तो बिल्कुल मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, फॉर्मेशन, कोर्स, देन उसका कनेक्शन, देन उसकी ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले अपन देखते हैं किस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो मैंने आपको अभी बताया कि वेन्स को अपन नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, मतलब टिश्यू से हार्ट तक पढ़ते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये क्या है, यह आपका डॉर्सल पैडिस आर्टरी। देयर इज डॉर्सल पैडिस आर्टरी में ये वाली साइड, ये क्या है, ये है मीडियल साइड, ये अगर मीडियल है और ये लेटरल है, तो ये मीडियल साइड में ये है मीडियल पार्ट ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च, आपको ब्रांच दिख रही है, और ये है आपकी मिडिल मार्जिनल वेन, मतलब कि डॉर्सल वीनस आर्च का मीडियल पार्ट, और ये मीडियल मार्जिनल वेन, ये दोनों वेन यूनियन होके आपके बना रही हैं ग्रेट सफेनस वेन। देन अपन देखें इसका कोर्स, मतलब इसका रास्ता। अब जो ग्रेट सफेनस वेन जो है, ग्रेट सफेनस वेन जो है ये आपका मिडिल मालियोलस के फ्रंट में, मतलब कि इसके ऊपर वाले साइड में फ्रंट में रहती है। देन ये फिर आपका अपवर्ड जाती है नी जॉइंट तक, और नी जॉइंट के बाद ये इंक्लाइन, मतलब हल्की सी इंक्लाइन होकर डायरेक्ट फीमोरल वेन की तरफ जाती है। तो ये ड्रेन होने से पहले एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, मसल अपन ने वगैरह रिमूव कर दी, उसके बाद का डायग्राम है। बेसिकली अगर देखें तो इधर क्या रहती है, मसल भी प्रेजेंट रहती है, मसल को क्या कवर कर रहा है, फेशिया। तो यहाँ पे ये जो वेन जो है ग्रेट सफेनस वेन एक फेशिया को पियर्स करती है, उस फेशिया का नाम होता है सेरेब्रिफोम फेशिया। तो सबसे पहले ग्रेट सफेनस वेन सेरेब्रिफोम फेशिया को क्रॉस करती है, उसके बाद ये जो है आपके फीमोरल वेन में जाके आपकी मर्ज हो जाती है। तो पूरा मैंने इसका कोर्स बता दिया। तो यहाँ पे ये लिखा है फॉर्मेशन कि ये जो है यूनियन ऑफ मिडल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च विथ मिडल मार्जिनल वेन के, मतलब कि मीडियल एंड डॉर्सल वीनस आर्च का और मिडल मार्जिनल वेन, उन दोनों वेन्स के यूनियन से आपकी बनती है लॉन्ग सफेनस वेन। देन वो आपका अपवर्ड पास करता है फ्रंट ऑफ मीडियल मालियोलस से, उसके बाद वो नी जॉइंट के मीडियल साइड में रहता है और अपवर्ड आता है टेन एंड थाई में। थाइन में ये आपका इंक्लाइन फॉरवर्ड होता है, मतलब हल्का सा इंक्लाइन होके फॉरवर्ड जाता है टू रीच सेफेनस ओपनिंग। सेफेनस ओपनिंग में जाता है, वहाँ पे वो किसको प्रेस करता है, सेरेब्रिफॉर्म फेशिया को प्रेस करता है और आपका ओपन हो जाता है फीमोरल वेन में। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो परफोरेटिंग वेन जो होती है ये सुपरफिशियल को डीप से कनेक्ट करती हैं, तो अपन को यहाँ पे यही कनेक्शन देखना है, मतलब कि परफोरेटिंग वेन ही देखना है। तो यहाँ पे क्या रहती हैं आपकी, तीन मीडियल परफोरेटिंग वेन होती हैं, जो कि ये है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तीन मीडियल परफोरेटिंग वेन है जो कि आप ग्रेट सफेनस वेन को डीप सफेनस, जो कि आप ग्रेट सफेनस वेन को पोस्टीरियर टीबियल वेन से कनेक्ट कर रही है। देन आपकी एक ब्लो नी जॉइंट के बीच में परफोरेटर है, उसके अलावा एक परफोरेटर जो है वो आपका एडेक्टर कैनाल में है। उसके बाद अपन इसकी देखते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। पूरी जो है ये क्या है, ये है आपकी ग्रेट सफेनस वेन।
ग्रेट सफिनेज एट द कॉमेंसमेंट। अब कॉमेंसमेंट का मतलब होता है बिगिनिंग, मतलब कि बिगिनिंग में ये क्या देता है, सबसे पहले आपके एक ब्रांच देता है मीडियल मार्जिनल वेन, उसके बाद लेग में, लेग वाले रीजन में ये आपका फ्रीली कम्युनिकेट किससे कर रहा था, एक स्मॉल सफेनस से और डीप सफेनस वेन से, परफोरेटिंग बताए थे ना, उन परफोरेटिंग वेन के कारण ये आपका कम्युनिकेट करता है। उसके अलावा ये आपकी एक देता है पोस्टीरियर आर्च वेन, ये आप देख रहे हो पोस्टीरियर आर्च वेन, अपने इस डायग्राम में भी देखा था, तो ग्रेट सफेनस वेन जो है ये ट्रिब्यूटरी देता है वो होती है पोस्टीरियर आर्च वेन, तो यहाँ पे जो है ये एक दे रहा है पोस्टीरियर आर्च वेन, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। देन वेन फ्रॉम द काफ, एक काफ वाली ट्रिब्यूटरी है। देन थाई में, ये इसमें दो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, एक इंटीरियर क्यूटीनियस वेन ऑफ थाई, देन एक्सेसरी सफेनस वेन। तो यहाँ पे ये लिखा है कि थाई में दो ट्रिब्यूटरी हैं, एक्सेसरी सफेनस वेन और एक इंटीरियर क्यूटीनियस वेन। उसके बाद इस सेरेब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले तीन वेन और देता है, एक सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, एक सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेन, देन सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। देन जस्ट बिफोर टर्मिनेशन, मतलब कि फ्यूमोरल वेन में टर्मिनेशन के जस्ट बिफोर, ये एक और वेन की ट्रिब्यूटरीज दे रहा है, वो है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, स्मॉल सफेनस वेन। तो स्मॉल सफेनस वेन का अगर अपन फॉर्मेशन देखें तो कैसे बन रही है, तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। ये क्या है, फिर से ये है आपका डॉर्सल वेनस आर्च, यानी डॉर्सल वेनस आर्च का ये है आपका लेटरल साइड, तो लेटरल एंड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च, और यहाँ पे एक मार्जिनल आर्टरी है उसको अपन बोलेंगे लेटरल साइड में, तो क्या है वो लेटरल, तो यहाँ पे एक मार्जिनल वेन है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेटरल साइड में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल मार्जिनल वेन। मतलब जो लेटरल मार्जिनल वेन और ये लेटरल एंड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च, ये दोनों का यूनियन होगा और आपके बना लेंगे स्मॉल सफेनस वेन। देन स्मॉल सफेनस वेन जो है ये आपके बिहाइंड, मतलब अपन ने इस साइड क्या देखा था, ये था मीडियल मालियोलस, सफेनस वेन क्या कर रहा था मीडियल मालियोलस के फ्रंट से जा रहा था, लेकिन स्मॉल सफेनस वेन जो है मीडियल मालियोलस के बिहाइंड जाएगा और ये आपका पहुंच जाएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पॉपलिटल फोसा। यहाँ पे क्या है, ये है आपका पॉपलिटल फोसा, तो इस पॉपलिटल फोसा में क्या है, पॉपलिटल वेन, तो स्मॉल सफेनस वेन आपकी फिर पॉपलिटल वेन में आपका ड्रेन कर जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यूनियन ऑफ लेटरल एंड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च विद लेटरल मार्जिनल वेन। इसका कोर्स क्या था, ये सबसे पहले इट एंटर द बैक ऑफ लेग, ये बैक ऑफ लेग में आती है बाय पासिंग बिहाइंड द लेटरल मालियोलस, लेटरल मालियोलस को होके देन ये पियर्स करती हैं डीप फेशिया को और एंटर होती हैं आपकी पॉपलिटल फोसा में, जहाँ पर वो ओपन हो रही है पॉपलिटल वेन में। देन ये ड्रेन क्या करता है, देन ये जो है लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट, जो फुट है उसकी पूरी लेटरल बॉर्डर और हील और बैक ऑफ लेग से सारा जो वेन है, जो सारा जो ब्लड है, जो सारा जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ड्रेन कर रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं परफोरेटिंग वेन, जितनी भी मैंने आपको परफोरेटिंग वेन में बताई थी अभी वो आपकी थी डायरेक्ट परफोरेटिंग वेन, मतलब ये कर रहा था सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा था, तो वो थी आपकी डायरेक्ट परफोरेटिंग वेन। उसके अलावा यहाँ पे एक इनडायरेक्ट परफोरेटिंग वेन भी होती है जो सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से मस्कुलर वेन के साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे यही लिखा है जो डीप परफोरेटिंग वेन जो है वो कनेक्ट कर रही है सुपरफिशियल वेन को विद डीप वेन से थ्रू मस्कुलर वेन से। देन डायरेक्ट परफोरेटिंग वेन अपन ने देखी कैसी होती है, वो आपकी होती है डायरेक्ट, वो आपकी करवाती है डायरेक्ट कनेक्शन, कनेक्ट सुपरफिशियल वेन विद डायरेक्टली विद डीप वेन। फिर अपन देखते हैं डायरेक्ट कुएं, तो डायरेक्ट में अपन देख चुके हैं कि थाई में कौन सी थी, एक थी अडक्टर कैनाल परफोरेटर जो कि किसको कनेक्ट कर रही थी, ग्रेट सफेनस वेन को फीमोरल वेन से। देन बिलो नी जॉइंट एक ही परफोरेटर है जो कि आपका कनेक्ट कर रहा था ग्रेट सफेनस वेन को पोस्टीरियर टीबियल वेन से। उसके अलावा लेग में, मतलब लेग वाले रीजन में अपन ने देखा था एक है लेटरल परफोरेटर जो कि ये है, जो कि पेरोनियल वेन को आपकी स्मॉल सफेनस वेन से कनेक्ट करवा रहा है। देन ये है मीडियल परफोरेटर वेन जो कि तीन है, एक अपर एक लोअर और इन दोनों के बीच में कौन सी होती है, मीडियल, मतलब कि अपर मीडियल एंड लोअर मीडियल परफोरेटर वेन जो कि आपको कनेक्ट करवा रहा है पोस्टीरियर आर्च वेन को पोस्टीरियर टीबियल वेन से। तो पूरा का पूरा मैंने आपको वेनस ड्रेनेज बता दिया लोअर लिम का।
तो अब अपन इसको देखते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में वीनस डेनियस को कैसे लिख के आना है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है आपको उसी सीक्वेंस में इसको लिख के आना है। और ये जो है बिल्कुल आपका क्वालिटी कंटेंट है, ये कंटेंट आप लिखोगे बिल्कुल सफिशियंट है और क्वालिटी कंटेंट है। तो सबसे पहले आप यही लाइन लिख देना, किसको हम क्लासीफाई करेंगे, सुपरफिशियल, डीप एंड परफोरेटिंग वेन में। देन फिर आप डीप लिखना, डीप में कौन कौन सी होती है, मिडल, लेटरल प्लांटर, डॉर्सल पैरिडिस, इंटीरियर पोस्टीरियर टीबियल, पेरोनियल टीबियल वेन होती हैं। देन एक ये वाली लाइन भी लिख देना कि जो डीप वेन है उसके अंदर वॉल्व ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा ये की लाइन लिख देना। जो की लाइन जो होती है ना उसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जो की लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है, अगर तुम वो लिखते हो तो एग्जामिनर जो है उसको देख के खुश हो जाता है कि इस बंदे ने डीप में पढ़ा है, वो आपको फिर ज़्यादा नंबर देता है। तो की लाइन लिख के ही आना है कि बहुत ज़्यादा मोर एफिशिएंट चैनल होता है ये डीप वेन, क्योंकि बिकॉज ड्राइविंग फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। देन सुपरफिशियल वेन लिखना, उसके अंदर ये लिखना कि ग्रेट एंड स्मॉल सफेनस वेन इंक्लूड करता है, वही सुपरफिशियल फेशिया में है, डिस्टल पार्ट में ज़्यादा इसके अंदर वेन वॉल्व होते हैं। मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ इसलिए स्पीड में बता रहा हूँ। देन लार्ज पोर्शन जो है वापस ड्रेन कर देता है डीप वेन में। उसके बाद आप हेडिंग डालना लॉन्ग सफेनस वेन की, मतलब बेसिकली आप कितना कितना लिखते हो उससे कोई मतलब नहीं होता यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होता, मेन होता है क्वालिटी कंटेंट। और क्वालिटी कंटेंट को भी आप किस सीक्वेंस में लिख रहे हो, मतलब कि जो है आप जितना ज़्यादा हो सके उसको पॉइंट में डाल डाल के आप हेडिंग में इंक्लूड कर करके आप लिखते हो तो उतना ज़्यादा एग्जामिनर को अच्छा लगता है, वो ज़्यादा नंबर मिलने को आपको चांस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो पूरा पूरा पैराग्राफ में क्या एग्जामिनर भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आप जितना इसको अच्छे से हेडिंग डाल के लिखूँगे, एकदम एक्सप्लेन करके लिखूंगे और मैंने क्वालिटी कंटेंट लिखूंगे तो उतने ज़्यादा आपका अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से पहले हेडिंग डालना है लॉन्ग सफेनस वेन, देन इसमें फिर आपको उसका फॉर्मेशन, कोर्स, इसका कनेक्शन और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो मैंने आपको बताई थी वो लिखना है। देन ट्रिब्यूटरीज भी आप जो है डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे आप बिल्कुल लेग में क्या ट्रिब्यूटरी है, थाई में क्या ट्रिब्यूटरी है, देन जस्ट बिफोर पियर्सिंग सेरेबिफोन फेशिया के पियर्सिंग में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर इस तरीके से लिखो। देन फिर साहब स्मॉल सफेनेस की आप डालना हेडिंग, नेक्स्ट उसका फॉर्मेशन, कोर्स एंड ड्रेन लिखना, देन जो परफोरेटिंग वेन जो है सारी परफोरेटिंग वेन्स को आपको लिख के आना है। उसके बाद आप बोलोगे इसमें ब्रांचेस कौन सी बनानी है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसका ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। अभी जो डायग्राम है ये आपका BDCC में दिया हुआ है, मैंने भी BDCC बनाया है, तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आपकी डीप वेन और सुपरफिशियल वेन ये दोनों वेन जो है क्लियरली शो हो रही है और परफोरेटिंग वेन भी इसमें अच्छे से शो हो रही है। उसके अलावा आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं लॉन्ग सफेनस वेन की ट्रिब्यूटरीज का। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि स्मॉल सफेनस वेन को आप अलग से एक्सप्लेन करें उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, देन तब आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, वरना इसको आप पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और एक सिंगल डायग्राम इसमें बना के आना है। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो सारी किस तरीके से तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, और आपको मेरा कंटेंट और मेरा अगर एक काम पसंद आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें जो है पूरे आपके लोअर लिंक की वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। अभी तक अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको अपर लिंक की पूरी वीडियो मिल जाएंगी, कंटेंट मिलेगा विद क्वालिटी के साथ। और हर वीडियो में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है, क्योंकि मेन हम अपना क्या है यूनिवर्सिटी एग्जाम को लिखना अल्टीमेटली। और अगर आपको इस तरीके से नोट्स बना बना के पढ़ते हो तो आपको जो है PG एग्जाम में भी बहुत हेल्प होती है। अब क्या होते हैं कुछ लोग जो है मुझे कमेंट में उन्हें लिखा लोअर लिंक के कि सर हम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो यार अगर तुम ऐसे नोट्स बना के पढ़ोगे अगर तो उससे क्या होगा तुम्हारे कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तो ठीक है, लेकिन जब आप PG एग्जाम की जब तैयारी करते हो, जब पूरा आपका कोर्स हो जाता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, तो उसके बाद ये जो शॉर्ट नोट हैं तो वो बहुत काम में आते हैं। क्योंकि अपन इसमें क्या करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में वो मेन मेन लाइन लिखते हैं, तो वो तो जो है मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स बनाएं। एनाटॉमी में तो बिल्कुल आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा नोट्स बनाएं, और नोट्स का मतलब ये नहीं है पूरी बुक आपने लिख दी, बिल्कुल स्मॉल में नोट्स बनाएं, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाएं कि जो 10 पेज में लिखा है उसको एक पेज में या दो पेज में इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में बना के लिखें। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे और
फिर आप उसके एमसीक्यूज करोगे। अभी क्या होगा बेसिकली, ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद मैं पीजी की यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के एमसीक्यू करूंगा, देन उसकी भी मैं सॉल्व वीडियो आपको डालूंगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना, पूरा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, देन पीजी के एमसीक्यू भी सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो। अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ रहा है तो उसको तुम उसको शेयर कर सकते हो। अब